हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में। अभी आप देख रहे हैं गंगा जी की पावन धारा की पावन दर्शन कर रहे हैं। आज श्रद्धालु की संख्या आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी और साथ में आज काफ़ी तेज धूप भी आपको दिखाई देने वाला है। आप सबको इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आप सब हमें पर्सनल नंबर में मैसेज कर रहे थे, इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे और साथ में आप कमेंट भी कर रहे थे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को जरूर देखें और चारधाम यात्रा, ऋषिकेश यात्रा या फिर उत्तराखंड में कहीं भी यात्रा आप करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरी जरूर देखनी होगी। तो चलते हैं, आज हम आपको सबसे पहले हर की पैड़ी का दृश्य दिखाते हैं। देख रहे हैं तेज धूप में श्रद्धालुओं की जो भारी संख्या है डुबकी लगाने हर की पैड़ी आ रही है। ऐसे आज ई रिक्शे, पैडा रिक्शे, विक्रम टेम्पो के सिवा आपको हर की पैड़ी तक ही मिल जाएगा। ये जो दृश्य है सुबह के 9:30 का दृश्य देख रहे हैं कितनी तेज धूप यहाँ पे आज दिखाई दे रही है। कल हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था और परसों काफ़ी तेज बारिश हुई थी। आप हर की पैड़ी और साथ में मनसा देवी, चंडी देवी, कंखल और आप जाना चाहते हैं शांति कुंज, तो शांति कुंज की भी वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। कंखल का वीडियो मिल जाएगा, आप मनसा देवी चंडी देवी की लेटेस्ट वीडियो भी हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो आप जरूर देखें। और साथ में आप अगर यहाँ पे स्टे के लिए चिंतित है तो स्टे के लिए बिल्कुल चिंतित ना हो, हमने काफ़ी सारा वीडियो बना रखा है हर की पैड़ी के पास, आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हमारा इसी वीडियो में मिल जाएगा, आप चाहे तो व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चारधाम की यात्रा बंद नहीं है लेकिन परसों की दिन जो बारिश हुई थी उसमें लैंडस्लाइड भी हुआ है, उसकी वजह से थोड़ी सी रास्ता बाधित थी लेकिन अभी रास्ता खुल चुका है, आप यात्रा कर सकते हैं। जब भी यात्रा करें तब आप मौसम अगला 7 दिन, पिछला 7 दिन का जरूर ध्यान रखें और यात्रा करें ताकि आपको रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना हो, क्योंकि अभी जो लैंडस्लाइड हुआ था 7 से 8 दिन पहले काफ़ी अच्छा धूप था और फिर अचानक बारिश हुई और रास्ते बंद हो गए तो काफ़ी सारे श्रद्धालु फंस गए थे, उन्हें निकलने में लगभग 8 से 10 घंटे लगे। तो इस तरह के जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। आरती के दर्शन आपको यहीं पे होंगे, आरती के लिए आपको 6:45 से पहले ही आपको आरती के पावन दर्शन के लिए हर की पैड़ी में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जो सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है इसी सीढ़ियों पे श्रद्धालु बैठे होते हैं, एक किनारे से दूसरा किनारा आप देख रहे हैं। यहाँ पे गंगा जी की पालकी आती है, अभी हम जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे गंगा जी की पालकी आती है फिर आरती के स्टार्ट होता है। श्रद्धालु की संख्या यहाँ पे 4 बजे से ही बैठना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि धूप जैसे थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है वैसे श्रद्धालु संख्या बढ़ती जाती है और सूर्यास्त के समय ही गंगा जी की आरती स्टार्ट होता है। चलते हैं हर की पैड़ी, महिला घाट, ब्रह्मकुंड घाट, लगभग सारे घाटों का दृश्य दिखाएंगे। हर की पैड़ी के पास सबसे अच्छा कार पार्किंग की बात कहें तो हरियाणा टापू है जिसे पंचदीप पार्किंग के नाम से जाना जाता है और दूसरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोनों की कंपेयर करें तो आपके साथ अगर बुजुर्ग है तो आप आ सकते हैं हरियाणा टापू से भी और उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय टापू से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दूरी लगभग सेम पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो दूरी है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही पड़ेगा। आप अगर पंडित पार्किंग से आएंगे तो डायरेक्ट हर की पैड़ी में पहुंचेंगे और आप अगर वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग से आएंगे तो आपको गौ घाट, शिव घाट, शिव ब्रिज, नई घाट होते हुए हर की पैड़ी आना होगा। ऐसे हमने वीडियो अधिकतर वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं ऋषिकेश बाईपास वाले मार्ग से जब आते हैं तो आपको कौन कौन से घाट, और अगर आप हाथी वाले ब्रिज क्रॉस करके आएंगे तो आपको सुभाष घाट का भी दृश्य देखने को मिलेगा। सबसे अच्छा घाट अभी अगर तेज धूप से बचने के लिए अगर कहें तो आप शिव घाट में डुबकी लगा सकते हैं, वहाँ पर जल की धारा थोड़ी तेज होती है, वहाँ पे काफ़ी सारे हरे भरे पेड़ है और साथ में डुबकी लगाने के बाद वहाँ पे हमारी माता और बहनों के लिए चेंजिंग रूम की भी सेवा
मिल जाएगी, तो किसी पारे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप आराम से हरिद्वार ऋषिकेश उत्तराखंड की यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी कम जल है, आज जल की जो धारा है थोड़ी सी थम गई है ऐसा महसूस हो रहा है, और कहीं पे गहराई है तो कहीं पे गहराई नहीं है। देख रहे हैं वहाँ पे गहराई कितना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे रेत इकट्ठा हो चुका है, और ये अभी एक सफाई होगी, हम बताएंगे अभी और दृश्य भी दिखाएंगे कि कब सफाई होगी। कहीं पे काफ़ी गहरा जल है तो काफ़ी कम जल कहीं पे देखने को मिलता है। जंजीर पकड़ के बैरियर के अंदर स्नान करें, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी स्नान करें तो अपने सामानों का ध्यान रखें, और साथ में पॉलीथीन या गीले कपड़े ना छोड़ें। गंगा घाटों में सफाई की जो व्यवस्था है आप बनाए रखें। आज जल की धारा आप देख रहे हैं कितनी, सारा सीढ़ी जो दिखाई दे रहा है ये सीढ़ी नहीं दिखाई दे रहा था परसों के वीडियो में, आपने अगर देखा होगा तो बहुत ज़्यादा जल कम हो चुकी है, लेकिन स्नान करने के लिए पर्याप्त ज़्यादा दिख रहे हैं। सीनी इतना जल है यहाँ पे, वहाँ पे कमर इतना जल है, और उस तरफ भी काफ़ी मात्रा में जल है, तो स्नान करने के लिए किसी बार कोई दिक्कत नहीं है। इतना जल काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा गति भी नहीं है, आप आराम से स्नान कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रही वीडियो के माध्यम से हरिद्वार के, और साथ में आपको गंगा जी के पावन दर्शन भी डेली होता रहे। अभी हम आ चुके हैं सबसे बड़ा घाट महिला घाट पे, सामने जो है उस ओर आपको चप्पल जूता बाहर निकाल के उधर से एंट्री करनी होगी, और आपको अगर हम जिस ओर खड़े हैं इस ओर आने के लिए आपको चप्पल जूता बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर चप्पल जूता लेके आ सकते हैं, लेकिन गंगा जी में चप्पल जूता ना रखें, ना ही यहाँ पे आप साबुन से स्नान करें। देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पॉलीथीन छोड़ दे हैं। उधर आपको काफ़ी सारे चेंजिंग रूम बने हुए दिखाई दे रहे होंगे क्रमशः, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान करते हैं, अधिकतर श्रद्धालु के ये दिख रहे हैं आप दृश्य यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो चमकता हुआ दृश्य दिखाई दे रहा है वो है चेंजिंग रूम। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे नमामि गंगे।